अलग ही जलवे होते हैं, लेकिन देश में जनता द्वारा चुना गया नेता बड़ा होता है या परीक्षा पास कर बना अफसर, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसमें अक्सर नेता अपनी मर्यादा से दो कदम आगे जाकर अफसरों को बुरी तरह फटकार लगाते हैं, जनता में अपनी धाक दिखाते हैं। आज ऐसा ही कुछ उदाहरण हम आपकी बात कर रहे हैं और वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, पहला मामला बरेली से है, जहां 22 अगस्त को कैंट विधायक संजीव अग्रवाल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर दरोगा पर अत्याचार करने लगे और दरोगा को आंखें नीचे करने के लिए कहने लगे। ए दरोगा जी, मुझे बताओ, हटाइए दरोगा जी। और चलिए बात करेंगे 2 अगस्त को, खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह आवास विकास कॉलोनी में अफसरों को धमकाने लगे। आपका नाम बदनाम करवाना चाहते हो तुम लोग? हम सब हिंदू हैं। अरे तुम और क्या हिंदू हो? ऐसा है ना, पहले तो सब लोगों से माफी मांगो, वरना यही जूता निकाल के इतना मारेंगे ना कि भूल जाओगे। कंप्लेंट करवाने ले जा रहे हैं, हमसे कह रहे गाड़ी में बैठा नहीं, गाड़ी में बैठा के ले चलो। हिंदुओं की आस्था पे वार करना चाहते हो तुम लोग? सरकार का नाम बदनाम करवाना चाहते हो तुम लोग? हम सब हिंदू हैं। अरे तुम और क्या हिंदू हो? ऐसा है ना, पहले तो सब लोगों से माफी मांगो, वरना यही जूता निकाल के इतना मारेंगे ना कि भूल जाओगे। कंप्लेंट करवाने ले जा रहे हैं, हमसे कह रहे गाड़ी में बैठा नहीं, गाड़ी में बैठा के ले चलो। वहीं 28 जुलाई को कानपुर के गोविंद नगर विधायक सुरेंद्र मैथा ने सिंचाई विभाग के इंजीनियर को धमकाया था, उन्होंने इंजीनियर को लताड़ लगाई थी। तो देखिए, नेतागिरी का ये उदाहरण आप साफ तौर पर देख सकते हैं, किस तरह धमकाते हुए ये नजर आ रही हैं। बुलडोजर आना नहीं चाहिए, तुम्हारे यहाँ एक आदमी दिखना नहीं चाहिए, और दिख गया तो समझ लेना फिर बुलडोजर और पूरा जो दिखेगा सबको इसी नहर में घुसड़ दूंगा। बिल्कुल साफ भाषा में समझ लेना, इसमें कोई मेरी फोन आवाज टेप कर लो, मेरी आवाज को टेप कर लो, ये काम आएगी तुम्हें जिस समय तुम बुलडोजर लेके आओगे। बुलडोजर आना नहीं चाहिए तुम। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बता दें मामला 18 अगस्त का है, जहां कानपुर बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी प्राइवेट कंपनी के सीईओ को धमकाते हुए नजर आए, जहां वो धमकाते हुए देखे गए। ये कंपनी के सीईओ हैं जिनको धमकाया गया। अरे देखिए कि नहीं, अगर तुम यहाँ कानपुर में होता तो तुमको हम सीधा करता, और तुम कहाँ मिलेगा, और तुम्हारा मालिक किधर मिलेगा? हम दिल्ली आ जाएं, हम दिल्ली में ही तुमको मुर्गा बनाते हैं आकर। तुम लोग साला बिल्कुल डामा करके रख दिया फालतू का पूरा। हमारे चीफ महोदय फोन इतनी देर से मिला रहे, साला फोन नहीं उठा रहा है, तुम्हारा आदमी फोन मिला रहा, फोन नहीं उठा रहा। तुम लोग साला पाप का जीवन, ये मौत की नगरी है, यहाँ परमानेंट कोई नहीं है। आया समझ में कि नहीं? अरे देखिए कि नहीं, अगर तुम यहाँ कानपुर में होता तो तुमको हम सीधा करता, और तुम कहाँ मिलेगा, और तुम्हारा मालिक किधर मिलेगा? हम दिल्ली आ जाएं, हम दिल्ली में ही तुमको मुर्गा बनाते हैं आकर। तुम लोग साला बिल्कुल डामा करके रख दिया फालतू का पूरा। और पांचवा मामला बिजनौर से है, जहां के विधायक ओम कुमार खुलेआम धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, खुलेआम उनकी तरफ से धमकी दी जा रही है। बिजनौर का ये पूरा मामला, हम तो आपके लिए तन मन धन से काम करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों का नहीं इलाज करेंगे, ऐसे लोगों को नहीं दवाई देने का काम करेंगे जिन्होंने गद्दारी की है। उनको भी छोड़ने वाले नहीं है, उनका भी डाटा बन के तैयार है, वो अपने अंदर झांके हैं,
जिन्होंने इस देश की भारत माता से गद्दारी करने का काम किया है, हम तो आपके लिए तन मन धन से काम करेंगे। लेकिन ऐसे लोगों का नहीं इलाज करेंगे, ऐसे लोगों को नहीं दवाई देने का काम करेंगे जिन्होंने गद्दारी की है। उनको भी छोड़ने वाले नहीं है, उनका भी डाटा बन के तैयार है। वो अपने अंदर झांके जिन्होंने इस देश की भारत माता से गद्दारी करने का काम किया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं।